ओके सो फाइनली कल की 2898 AD का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसको हम अभी तक प्रोजेक्ट के नाम से जान रहे थे। एंड ऑनेस्टली बताओ तो टीजर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मासी और बहुत ज़्यादा गोल्डन लगा। एंड स्पेशली जो इन्होंने स्टार वॉर्स के साथ कोलैब किया है, पर्सनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। खैर इस मूवी का जो र्यूमर्ड बजट है वो 600 करोड़ के आसपास होने वाला है। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने प्रभास का फर्स्ट लुक पोस्टर देखा था तो मेरी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। एंड देन जब मैंने टीज़र देखा तो मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया इसको लेकर, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे विजुअल्स हैं तो कुछ अच्छा ही बन रहा होगा। बट देन जब मैंने इसका बजट सुना तो मेरे को फिर से हंसी आने लग गई। अब ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभास की बाहुबली के बाद जितनी भी मूवीज़ आई हैं वो सारी बिग बजट मूवीज़ रही हैं। एंड उन सब में प्रभास ने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बनाया है, वो है सबसे बड़ी डिज़ास्टर मूवीज़ बनाने का। आई मीन राधे श्याम, साहो और अभी रिसेंट में आए आदि पुरुष, इन तीनों मूवीज़ का कंबाइंड बजट लगभग 1400 करोड़ होता है। एंड ये सारी मूवी बहुत ही गंदी तरह से पिटी हैं। खैर कल की बात करें तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन सर, कमल हसन सर, प्रभास, दीपिका पादुकोण, दलकीर सलमान एंड दिशा पाटनी। अब देखो जो लास्ट वाला नेम था वो मैं लेने नहीं वाला था, बट कैल्विन क्लेन की याद आई है मुझे, तो मुझे लेना पड़ गया इनका नाम। बाकी तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग दिशा पटनी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या नहीं करते हो। खैर टीज़र मेरे को काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगा विजुअली, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अश्विनी सर ने इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज करके देन इस मूवी को एग्जीक्यूट किया हो। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि लोगों को कितना भी बजट दे दो बट वो लोग क्या ही बना रहे थे उनको खुद ही पता नहीं रहता है, एंड बाद में उसमें काफ़ी सारे चेंजेस करते रहते हैं। बट इन दी एंड हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है होप। हम होप कर सकते हैं कि ये मूवी अच्छी बने, होपफुली ये मूवी प्रभास के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बने एंड हमें फिर से प्रभास की बड़ी बड़ी मासी बिग बजट मूवीज़ हिट होती हुई दिखाई दें। एंड हम होप कर रहे हैं कि सालार और प्रोजेक्ट के ये दोनों ही मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बने। ताकि तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें टीज़र कैसा लगा, तुम्हें थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के बारे में कुछ समझ आया या नहीं आया कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब करो यार, हमको 15 अगस्त से पहले लगभग 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम।